हमारे पास काम नहीं है बिल्कुल भी। एक डेढ़ महीने से मैं धक्के खा रही हूँ यहाँ पे। ये 2000 से ऊपर लोगों की आईडी ब्लॉक है। सर मेरी गलती क्या है कि आपकी 5 कैंसिलेशन हो गई? हम खुद इन बच्चों के लिए खुद कमाने वाले थे, कुछ भी नहीं हो पा रहा। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं गुड़गांव में अर्बन कंपनी के हेडक्वार्टर के बाहर, जहां बड़ी सैकड़ों की संख्या में जो अर्बन कंपनी के जो पार्टनर्स हैं, जिसको अर्बन कंपनी अपने पार्टनर्स बताती है, बेसिकली उनके लिए काम करने वाले वर्कर्स हैं जो अलग अलग सेक्टर में उनके लिए डोमेस्टिक हेल्थ से लेके ब्यूटिशियन से लेके प्लम्बिंग से लेकर अलग अलग काम में काम करते हैं। ये प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि आज देश भर में ऑल इंडिया गिग वर्कर यूनियन, जिसका एफिलिएशन CITU से है, उसने आज देश भर में एक राष्ट्र प्रदर्शन का आह्वान किया था। इसी के तहत बॉम्बे, कर्नाटका और ये दिल्ली में एक प्रदर्शन हम देख रहे हैं। पिछले दिनों में यूनियंस ने एक अनौपचारिक तौर पर 4 शहरों में सर्वे किया था, जिसमें 1000 से अधिक लोगों की आइडियाँ ब्लॉक हुई हैं। और सिर्फ आइडियाँ इन लोगों की ब्लॉक सिर्फ रिस्पांस रेट और रेटिंग के नाम पे नहीं हो रही, कई ऐसे वर्कर भी हैं जिनकी रेटिंग भी अच्छी है, रिस्पांस रेट भी अच्छा है, इसके बावजूद भी उनकी आईडी ब्लॉक की जा रही है। तो इस प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों और ऑल इंडिया गिग वर्कर यूनियन के लोगों से हमने बात करके समझने की कोशिश किया जो आज के हालात क्यों उत्पन्न हुए हैं और आगे अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे का रास्ता इनका क्या होगा। कंपनी एक ऐसे नए पॉलिसीज लाई है जिससे जिन गिग वर्कर्स को ये पार्टनर्स कहलाते हैं, उनकी जो काम करने की परिस्थिति है वो बद से बदतर हो गई है। पहले इनको सिर्फ इनके कस्टमर रेटिंग पे परखा जाता था और जब रेटिंग कम हो जाती थी उनको रीट्रेनिंग दिया जाता था, तो एक रेस्टोरेटिव सिस्टम था। अब कंपनी एक 5-point क्राइटेरिया लेके आई है और हर वर्कर को उन 5 पॉइंट्स पे खरा उतरना है। मार्च में मेरे को इन्होंने HF में ट्रांसफर कराया जबरदस्ती कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। HF होता है हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट। फिर इन्होंने 2 महीने बाद बंद कर दिया। मेरी प्राइम की आईडी है वो ब्लॉक कर दी है बिल्कुल, अब वो खोल नहीं रही है ना। रिस्पांस रेटिंग बिल्कुल सही है, रेटिंग भी बहुत अच्छी है, पर मेरा हाइड्रैक तो बंद कर दिया। मैं ना इधर की नहीं ना उधर की रही 3 महीने के अंदर। अब एक बार इन्होंने इंटरव्यू लिया, कहेंगे अब रिट्रेनिंग हो जाएगी, कुछ भी नहीं हो रहा और मैं बिल्कुल ब्लॉक हूँ। पुराने लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि उनसे सिर्फ क्रेडिट मिल रहा है, ठीक है। और हम नई अपनी एक एकेडमी बना ली है जिसमें 40 दिन में प्रोफेशनल तैयार करी जा रही है। 40 दिन में 20 साल का एक्सपीरियंस वो दे देंगे उसको। अचानक क्या आईडी ब्लॉक कर रहे हैं, रेटिंग नहीं बढ़ने देते हैं? इन्होंने रेटिंग को 4.5 से 4.7 आउट ऑफ 5 किया है, ठीक है। साथ ही साथ जितने इनको जॉब्स आते हैं उसमें से इनको 70% एक्सेप्ट करना ही होगा। दूसरा, महीने में ये 5 से ज़्यादा कैंसिलेशन नहीं कर सकते हैं। और चौथा कि जो प्रोडक्ट कंपनी इनको महंगे में बेचती है, 60% इनका जो किट है उन प्रोडक्ट से बनना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको पूरे टाइम इन 5 पैरामीटर्स पे खरा उतरना है, नहीं तो आप एक में भी अगर गलती कर गए, ठीक है, आप परमानेंटली ब्लॉक हो जाएंगे प्लेटफॉर्म से, आपका रोजगार छीन लिया जाएगा। आज जो यहाँ अर्बन कंपनी का प्रोटेस्ट है, अर्बन कंपनी वर्कर्स का, ये जो मांगे उठा रहे हैं वो केवल इस पर्टिकुलर कंपनी के सवाल नहीं है, पूरे गिग इकोनॉमी में, चाहे अभी आज के तारीख में ही पिछले कुछ दिनों में ब्लिंकिट के प्रोटेस्ट हुए हैं, डंजो के प्रोटेस्ट हुए हैं, फूड डिलीवरी जो ऐप्स हैं जोमेटो और स्विगी, इनके प्रोटेस्ट मजदूरों के अलग अलग शहरों में बार बार होते रहे हैं। मुख्य जो सवाल है कि ऐसे जितने प्लेटफॉर्म कंपनियां हैं वो कहती हैं कि मजदूर जो है वो मजदूर नहीं है, वो हमारा पार्टनर है। तो असल जो बतौर कंपनी जो लूट और शोषण का जो मुख्य आधार है उसी को छुपाने के नाम पर ऐसे जुमले छोड़े जा रहे हैं। आप क्लाइंट हो, मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ, पॉलिसी ये कि मैं आपको कॉल कर रही हूँ, आपने फ़ोन नहीं उठाया तो यहीं पे इस सिस्टम में आ जाता था कि कस्टमर अनरीचेबल, कैंसिल द सर्विस। अब मुझे क्लाइंट के घर जाना है, मैं उसकी लोकेशन पे जाऊँगी तब वो ऑप्शन आएगा, मतलब मैं पागल हूँ, मैं 1 घंटा स्कूटी चला के जाऊँ। इन्होंने क्या करा, बारिश की वजह से 5 कैंसिलेशन कस्टमर ने कैंसिल करी और आईडी मेरी ब्लॉक कर दी। ये देखिए सर, मेरी रेटिंग वोटिंग रिस्पांस रेट सब सही है, ये मेरी 5 कैंसिलेशन कर दी कंपनी ने, इसमें मेरी 1 कैंसिलेशन भी मेरी गलती से नहीं है। पूरा जो काम है, चाहे काम के घंटे हैं या जितनी आमदनी होती है, जो मजदूरी मिलती है काम करने के बाद, बाकी जैसे बाकी कोई भी सेक्टर है उसमें घंटे के हिसाब से तय होता है कि इतने घंटे काम करने पर इतनी आमदनी होती है। यहाँ पर हर एक जो टास्क है वर्कर पूरा करता है उसके आधार पर पैसे मिलते हैं। वो कितना पैसा मिलेगा और कितने समय में वो पूरा करना है, वो तमाम चीज़ें एल्गोरिदम तय करती है। कोई भी वर्कर इस प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकेगा कि नहीं, उसको तय करने के लिए 5-star रेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है अलग अलग कंपनियों ने, जिसमें पूरा ही अधिकार जो है वो दिया हुआ है कस्टमर के हाथ में। इनका सिस्टम जो है इतना अपारदर्शी है कि बहुत सारे लोगों को
लास्ट मिनट तक पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। इनको वार्निंग्स आते हैं लेकिन एक नोटिफिकेशन के थ्रू आता है, ऐसा नहीं है कि इनको कोई कॉल किया जाता है या कहीं बुलाया जाता है उनको समझाने के लिए। आप एक दिन में 4-5 काम कर रहे हो, घूम रहे हो धूप में बारिश में, आप कितना नोटिफिकेशन चेक करोगे अपने फ़ोन का? तो उस कंपनी कहती है कि हमारे पास सारा सिस्टम है कि आपको वार्निंग दिया जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे जो लोग आए हैं ऊंची ऊंची रेटिंग वाले लोग हैं, 4.9 किसी का रेटिंग था, 85% रिस्पॉन्स रेट, कस्टमर ने 2 कैंसिलेशन कर दिए और वर्कर पर डाल दिया। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ परमानेंट ब्लॉकिंग से परेशान है, वो इससे भी परेशान है कि कभी कभी इनके कंट्रोल में भी नहीं है कि वो अपना स्कोर अच्छा रख सके। मेरा एक छोटा भाई है कज़न विरोधन सलमान, जो वजीराबाद में काम करता है, बारिश के कारण वो पहुंच नहीं पाया, कस्टमर से बात हो गई मगर कंपनी वालों ने ये कह दिया कि हम बारिश को नहीं मानते, उसकी आईडी बिल्कुल ब्लॉक है, वो कमरे पे पड़ा हुआ है। उसने अभी 57,000 रुपये की किट ली है 2 महीने पहले, 57,000 रुपये की किट लेने के बाद उससे ये कहा अगर जी आप लोन करवाओगे तो आपको 63,000 रुपये देने पड़ेंगे, कैश लेंगे तो आपको 57,000 रुपये पे करने होंगे। उसने पे करे, कुछ मुझसे उधार लिए, किसी के रिश्तेदार से उधार लिए। उसने जब उधार लेने के बाद जब देखा गया उसने 5 कैंसिलेशन इसकी हो गई, वो 4-5 दिन से जीना कमरे में पड़ा हुआ है। सर बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल है सर। क्या एक्चुअली हम लोग सिंगल मदर्स हैं तो हमें बहुत परेशानी हो जाती है, फाइनेंशियली तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, रेंट पे रहते हैं, रेंट देना, बच्चे पालने, दो सर मेरे को ट्रांसफ़र करा इन्होंने, मेरा रिस्पांस रेटिंग तो बिल्कुल ठीक है और रेटिंग मेरी 4.9 है, पर इन्होंने हाइड्रा में ट्रांसफ़र करा उसके बाद वाली दूसरी आईडी बंद कर दी, पर उनको दूसरी, मैं कहीं बाहर काम करने नहीं गई थी प्लेटफॉर्म में, इनके पास थी तो इनको खोलनी चाहिए ना वह आईडी। मैं, मेरी बेबी छोटी है 5 साल की, मेरे को कैसे प्रॉब्लम हो रही है, अब मैं कैसे करूँगी कुछ भी? अब बताओ हम लोग क्या करें, जब अर्बन कंपनी हमें उस टाइम काम दिया हम ठीक ठाक काम कर रहे थे, इन लोगों ने अपने रूल्स इतने कैड़े कर दिए हैं कि लड़कियां काम ही नहीं कर पा रही हैं। ये पहली बार नहीं है जो ये मांगे रेज की गई है, 3 मुख्य डिमांड है हमारे। सबसे पहला डिमांड ये है कि जिनकी आइडियाँ अभी ब्लॉक हुई है मनमाने ढंग से जो ब्लॉक हुई है, सबको बिना शर्त आप खोल दें, अनब्लॉक करें, लोगों से रोजगार ना छीने, उन्हें इम्प्रूव करने का मौका दें। अर्बन कंपनी कहती है ये इनके पार्टनर्स हैं, कि पार्टनर्स इनके लिए कस्टमर्स के बराबर है, लेकिन इनकी नीतियाँ ये नहीं दिखाती है, इनके मैनेजमेंट का रवैया ये नहीं दिखाता है। दूसरी मांग ये है परमानेंट आईडी ब्लॉकिंग की जो व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से बंद किया जाए। इसके साथ जितनी भी नीतियाँ हैं रिस्पॉन्स रेट को लेके, कैंसिलेशन को लेके, प्रोडक्ट यूसेज को लेके, इसे खारिज किया जाए, इसका इस्तेमाल इनको वार्निंग बतौर दिया जाए, लेकिन किसी का रोज़गार ना छीना जाए। अगर कंपनी इन्हें पार्टनर असली में मानती है तो इनकी सहमति के साथ ये चेंजेस लाने चाहिए, कि हमारी तीसरी डिमांड है। जब पहले ज्वाइन कराया गया था 7 से 8 किलोमीटर का बोला गया था, आज के टाइम में 18-20 किलोमीटर दूर जाके हम लोग काम कर रहे हैं। 18 किलोमीटर दूर जाऊंगी मैं स्कूटी चला के, मेरी स्कूटी स्लिप हो जाए, कुछ भी हो जाए, इतने अनजान एरिए में, ठीक है जी, उसका भुगतान कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। कितना तो आप काम दे रहे हो, वो ये एक जॉब दे दी, दिन में क्या होता है एक जॉब से? उसमें भी मतलब आपने कटिंग दी 250 रुपये है, उसमें 50 रुपये आपके हैं, ठीक है, उसमें एक्सपेंस मेरा है, मैं यहाँ से 10 किलोमीटर गया पेट्रोल तो मेरा कम से कम 40 रुपये पेट्रोल तो होगा खर्च, कम से कम अरे 10 किलोमीटर गया मैं तो 40 रुपये पेट्रोल मान लो, ठीक है, ठीक है, तो मेरा क्या कहते हैं 40 तो वैसे खर्च हो गया, आप बचाए 150-150 रुपये, 150 रुपये में एक बंदे गुजारा हो जाएगा क्या? अब मैं तो पूरा डिपेंड आप पे हूँ ना। ये आंदोलन ब्यूटी सेगमेंट के वर्कर से चालू हुआ था अलग अलग शहरों में, लेकिन जैसे आज आप देखते हैं ईपीसी के लोग, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बिंग कारपेंट्री के लोग इसमें हैं, मेंस ग्रूमिंग के लोग इसमें हैं, नेल्स के लोग इसमें हैं, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग वाले भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। हमारे पास ब्यूटी लेवल तक जो हमने सर्वे इकट्ठा किया था जो सिर्फ 4 राज्यों तक अभी फैला है, और छोटे राज्य जैसे जयपुर, बड़ौदा, अहमदाबाद वहाँ तक नहीं गया है। पिछले 1 महीने में जो हमें आंकड़े मिले हैं इसमें तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु कोई शामिल नहीं है, सिर्फ 4 शहरों के 1,000 से ज़्यादा हमें मिले हैं। पागल बना रहे इतने दिन से मुझे, तो ट्रायल भी ले लिया है, कह रहे ट्रेनिंग होगी, रीट्रेनिंग होगी, कुछ भी नहीं हो रहा।